मैम। देखिए सब बच्चे मिठाई खाने के लिए उत्साहित हैं। लाइन से खड़े हो आराम से। सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और हम लोग अपने बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। और हमारे पंचायत भवन में सारे पदाधिकारी लोग आ चुके हैं, हमारे सचिव साहब, प्रधान जी और हमारे कुछ BJP कार्यकर्ता भी आज आ गए हैं। और बहुत ही धूमधाम से हमने बापू की जयंती मनाई। उसके बाद में सोसाइटी में जाके जयंती मनाई गई, और उसके बाद में स्कूल में हमने मनाई, और उसके बाद में हम आपको मिलवाते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो हम जो कर्मचारी हैं हमारे बापू के नाम से जो योजना चल रही है, महात्मा गांधी मनरेगा योजना जो चल रही है, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। सभी संभ्रांत व्यक्ति जो आए हुए थे, सब लोग मुंह मीठा कर रहे हैं। बैठिए दादा, बैठो। अरे बैठो, गाय जब चल रहे हैं सोसाइटी में ध्वजारोहण होगा। गेट फिर से तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी सुंदरता है यहाँ पे। ये हमारा संवेलिन विद्यालय ढाका है। बच्चे सब लाइन से खड़े हुए हैं, ध्वजारोहण हो चुका है। का है, थक गए हो का, बैठे हो? अच्छा, कल क्रिकेट ज़्यादा खेल लिए हुई हो संडे के यहाँ? नमस्ते 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 नमस्ते। और गुरुजी नमस्कार। देखिए, गांधी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। देखिए सब बच्चे मिठाई खाने के लिए उत्साहित हैं।
लाइन से खड़े हो आराम से। यहाँ पे आंगनवाड़ी का बना हुआ है कार्यालय, बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है इसमें। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ और मनरेगा कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज गांधी जयंती को महात्मा गांधी जी को याद करते हुए मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी के नाम पर एक बहुत बड़ी स्कीम विगत 2005 में लॉन्च हुई, आज लगभग 18 वर्ष हो गए, जो रोजगार की गारंटी देती है। गांव में मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है, परंतु उसमें जो नियुक्त कर्मचारी हैं, जो जिनकी स्थिति आज के समय में बहुत ही खराब है, सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तमाम तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किए, तमाम तरीके से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया, परंतु आज शोषण की इंतहा मनरेगा कर्मचारियों के साथ हो रही है। तब भी हम जोर से अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी अमर रहे का नारा बुलंद करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार से कि महात्मा गांधी जी के नाम पे जो योजना बनी है उसके कर्मचारियों का सुध लिया जाए। इसी के अंतर्गत हम लोग 4 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी को याद करते हुए समस्त जिला मुख्यालयों पे अपने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन अपनी समस्याओं को लेकर के भेजेंगे कि महात्मा गांधी जी के नाम पर यह जो योजना बनी है उसके कर्मचारियों को जो जरूरी चीज़ें हैं उनके जीवन यापन के संबंध में वो उपलब्ध कराई जाए। 4 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के 2 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में भी यह कार्यक्रम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने वादा करके छोड़ दिया, परंतु आपके अधिकारियों ने अभी तक उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया है। इसलिए महात्मा गांधी जी की जय, महात्मा गांधी जी हमेशा अमर रहें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।